अस्सलाम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नूर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार गाइस, आज हम लोग जो है मेकअप कर रहे हैं क्रिस्टीन की स्टिक से। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि यार लाइक क्रिस्टीन का रिजल्ट कैसा है, इसकी कवरेज कितनी है, यार ये अच्छी है कि नहीं अच्छी, प्लीज़ इसके ऊपर कोई वीडियो बना दें, इसके ऊपर रिव्यू दे दें। तो आज हम लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, इस पर रिव्यू दे रहे हैं कि लाइक क्रिस्टीन का रिजल्ट क्या है, इसकी कवरेज कितनी है। तो मैं आपको बताती हूँ, इसकी मीडियम कवरेज है, बहुत ही हाई लेवल की कवरेज नहीं है, जाहिर सी बात है। इसके प्राइस भी जो है वो 550-600 है, तो उसकी कवरेज भी जाहिर सी बात है इतनी ही होगी। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, ठीक है, और आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो है मॉइस्चराइज़र लगाया है, एलोवेरा जेल, ठीक है, एज ए मॉइस्चराइज़र। देन मैं यूज़ करी क्रे लोन का प्राइमर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लस ये बजट फ्रेंडली भी है और इसका रिजल्ट भी कमाल का है। तो चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, आपको ज़रूरी है कि आप लाजमी है कि आप प्राइमर यूज़ करें। तो इसको मैं अच्छी तरीके से अपने स्किन के ऊपर लगा लूँगी, अपने फेस पे लगा लूँगी। क्रिस्टीन की अब हम बात करते हैं, तो क्रिस्टीन के जो पैनकेक है वो बहुत अच्छा है। क्रिस्टीन की जितने बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी मैंने रिव्यू दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और उनके स्टिक के पे भी मैंने ऐसे रिव्यू दिया हुआ है, लेकिन आप लोग चाह रहे थे कि मैं लगा कर दिखाऊं कि इससे कितनी कवरेज है। तो अगर आप लोगों के एक्नी नहीं है या निशान नहीं है पिंपल्स के, तो आप इजीली जो है इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये मीडियम कवरेज देती है। और अगर आपके एक्नी या निशान हैं भी, तो आप मेरी तरह करें, सब मैंने अब रोमांटिक कलर वालों में से ऑरेंज शेड लिया है, ठीक है, आई शेडो। और अब मैं 36 नंबर जो है क्रिस्टीन की, इसके साथ मिक्स करके अपने डार्क सर्कल्स और अपने निशानों पे लगा रही हूँ, लाइक अपने एक्ने पे लगा रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो मेरी एक्ने काफ़ी हद तक जो है कवरेज मिल जाएगी मेरी एक्ने को। अगर तो ये क्रेलोन या कोई और स्टिक होती तो बिल्कुल भी मेरी एक्ने नज़र ना आती, लेकिन ये क्रिस्टीन है तो जैसे बात है इसके मीडियम कवरेज है, तो हम थोड़ी सी जो इसके अंदर मिक्स करके आई शेडो जो है अपने एक्ने पे और अपने डार्क सर्कल्स पे लगाएंगे। और इसके बाद जो है हम लोग हल्का सा पाउडर लगा लेंगे अपने फेस के ऊपर, ताकि जो हमारा कलर करेक्टर है वो अच्छे से लग जाए हमारे फेस के ऊपर, ठीक है। तो जब आप कोई और स्टिक लगाएंगे या कोई कंसीलर या कुछ भी लगाएंगे तो वो स्किप नहीं होगा नीचे से। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमारा स्किप होना शुरू हो जाता है, कलर करेक्टर मिक्स हो जाता है, समझ नहीं आती क्या करें हम लोग। तो ये एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए। मैं अब इसको फिंगर से ही डैप कर रही हूँ अच्छे तरीके से। आप देख लें, आप फिंगर से डैप करना चाहते हैं या फिर आप स्पंज यूज करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं आपकी मर्जी, लेकिन फिंगर से भी बहुत अच्छी लुक आती है। अगर आप अपने फेस पे करें तो इजीली आप फिंगर यूज कर सकते हैं, और अगर किसी और पे कर रहे हैं तो पहले अच्छी तरीके से हैंड्स को सैनिटाइज कर लें एंड देन आप यूज करें। अच्छा, उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ क्रिस्टीन की शेड नंबर आइवरी। लाइक मैं अपने फेस के ऊपर इजीली आइवरी भी यूज कर लेती हूँ, 45 भी यूज कर लेती हूँ, सबसे फेयर है ये, ठीक है, और मैं इजीली यूज़ कर लेती हूँ। एक तो ये है कि मुझे इसकी मेरी स्किन टोन के साथ ही मैच कर जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर वाइट नहीं लगता, क्योंकि मेरा रंग भी वैसे ही है। लाइक अगर आपके रंग सांवला है, ये डार्क कलर, और आप आइवरी लगा दोगे तो आपकी जो बेस है वो ग्रे होने लग जाएगी, तो आपने इस तरह से कुछ भी नहीं करना। अब मैंने अच्छी तरीके से आइवरी लगा ली है, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ रोमांटिक शेड वालों में से रोमांटिक बर्ड का ये शेड अपने आईज के ऊपर, और देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड W7 किट में से अपने आईलिड के ऊपर। तो अच्छे तरीके से, लाइक मैंने सिर्फ दो सिंपल से आई शेडो यूज़ किए हैं अपने आईज के ऊपर, और दैट्स इट। मैंने बहुत ज़्यादा लाइनर नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा स्मोकी आईज नहीं की, क्योंकि मेरी जो लिपस्टिक का कलर है, मैं सारा जो है वो फोकस मैं लिपस्टिक की शाइड पे था, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं बहुत ही डार्क कलर की लिपस्टिक इसके साथ लगाऊं, तो अगर मैं आई मेकअप हैवी करती तो वो उसमें बहुत अजीब लगता। देन मैं अपने आईज में मैंने लगाया है काजल, और अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा, और ये मेरा फेवरेट मस्कारा है। अगर आप लोगों ने मस्कारा पे रिव्यू देखना है तो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने इसके ऊपर भी रिव्यू दिया हुआ है। तो क्रिस्टीन की कंटोरिंग किट भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और क्रिस्टीन के और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और रीजनेबल हैं। अगर आप उस पर रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। और अब मैं अप्लाई कर ली है आई लैशेज, मैंने यूज़ किए हैं हुदा ब्यूटी के आई लैशेज, और ये है यूज़ कर रही हूँ मैं, नया लेकर आई हूँ, एले गर्ल का शायद, मुझे नाम नहीं याद। ये इसके अंदर ना कंटोरिंग भी है और हाईलाइटिंग भी है,
तो ये ऑब्लेशन भी है, तो मैं अब इस पर जो है अपने फेस को अच्छी तरीके से कंटोर कर रही हूँ। लाइक जाहिर सी बात है, स्पेशली एक टिप है कि जिनका फेस हैवी होता है उनको जरूरी है कि वो आई लैशेज यूज करें। आई लैशेज यूज करने से आपका जो फेस है वो काफ़ी हद तक स्लिम लगता है। लाइक जिनके फेस हैवी उनको जरूरी है कि वो आई लैशेज यूज करें। उसके बाद मैं यूज करी W7 का बिग ब्लश, जिसमें से ये ब्लश शोन का कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लाइक बहुत ही लाइट सा ब्लश शोन है। अगर आप लोगों ने ब्लश शोन पे भी रिव्यू देखना है तो वो भी जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप लोग काफ़ी दफ़ा पूछते हैं कि आप कौन सा यूज़ करती हैं, आप ब्लश शोन पे रिव्यू दें, तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने हर टाइप के ब्लश शोन पे रिव्यू दिया हुआ है। देन मैं यूज़ करी क्रिस्टीन का हाईलाइटर, जो मेरा फेवरेट हाईलाइटर है। लाइक कोई कहता है कि जी गोल्डन में यूज़ करें, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मुझे सिल्वर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी जो ग्लो फेस पे आती है ना, कमाल की आती है। लाइक जिस तरह आप देख सकते हो कि कितना कमाल की इसकी ग्लो आ रही है फेस के ऊपर, बिल्कुल नेचुरल सी लुक आ रही है। तो मैं अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लूँगी अपने हाईलाइटिंग एरियाज को, लाइक अपने जो है बोन को और चिक बोन को अच्छी तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ। आप इसको यूज़ कर सकते हो डे में भी, नाइट में भी, ये बहुत ही अच्छा लगता है। कोई केकी लुक सा नहीं आता, अजीब सा नहीं लगता। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा शेड्स हैं, आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी इसके बाकी शेड्स भी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट चाहिए कि प्लीज़ आप हाईलाइटर के ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो उसके बाद ये मैं अपने इसके इनर कॉर्नर को भी अच्छी तरीके से हाईलाइट कर लूँगी। लाइक इसी शेड से हल्का सा मैंने जो है हाईलाइटर लिया और हाईलाइट कर लिया इसको भी। देन मैं यूज़ कर रही हूँ एंटिक बर्ड का वेलवेट मेन मैट लिप ग्लॉस, और इसका शेड नंबर है 6। बहुत ही ज़्यादा डार्क और मेरा फेवरेट शेड है। लाइक कभी कभार मेरा दिल करता है मैं यूनिवर्सिटी भी लगा के जाऊँ, और कभी कभार मैं लगा के चली भी जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शेड, क्योंकि मेरे को आई मेकअप नहीं किया होता, बिल्कुल सिंपल सा डिसेंट सा होता है लुक मेक, लाइक जैसा सिर्फ मस्कारा होता है और लिपस्टिक होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्रिस्टीन कैसी है। तो क्रिस्टीन आपके सामने के इसने मुझे कितनी कवरेज दी है, लाइक मीडियम कवरेज है, बल्कि मीडियम कवरेज से ज़्यादा ही अच्छी कवरेज इसने मुझे दी है। और एक ग्लो भी आई है, बहुत केकी नहीं लग रही, बहुत अजीब नहीं लग रही, आपके सामने ही है। और ये है मेरी मेकअप की फाइनल लुक, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आप लोग कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आप सबको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।